क्रिएशन ऑफ लाइन होते हैं उसकी वेरियस फॉर्म वेरियस टाइप्स होते हैं, जिसे हम फर्स्ट वन लेके चलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इट मींस दैट इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, जब आपके पास क्या होगी एक लाइन जैसे देके रखी है उसका स्लोप गिवन होगा एंड उसमें एक पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, लाइक देखो ये आपकी एक्सेस होती है, दिस इज वन इज योर एक्स एक्सेस, दिस वन इज योर वाई एक्सेस। ओके, तो ठीक है, अब इसमें मान लो आपकी ये लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है P नोड ऑफ X नोड Y नोड, ठीक है, P नोड, ये आपका पॉइंट P ऑफ X कॉमा Y, ठीक है, ये जो आपका P ऑफ X कॉमा Y पॉइंट है ना, दिस इज योर आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है, ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, रोल आपका इसी पॉइंट का रहेगा P नोड ऑफ X नोड Y नोड। ठीक है, साथ में आपके पास गिवन होगा इसका स्लोप M, ठीक है, मतलब आपके पास पॉइंट होगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट जैसे गिवन होंगे और साथ में आपके पास स्लोप देके रखा। तो इस केस में आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है वो क्या बनती है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, क्या बनती है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, जब आपके पास क्या होगा, ये m गिवन होगा, साथ में आपके पास ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे ये गिवन होंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है कि हमने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रू माइनस टू कॉमा थ्री से, ठीक है, हैविंग स्लोप माइनस फोर। ठीक है, सो व्हाट फाइंड आउट क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है थ्रू माइनस टू कॉमन थ्री पॉइंट, ये आपके पास देकर रखा है, ठीक है, हैविंग स्लोप माइनस फोर, स्लोप कितना है माइनस फोर है, स्लोप भी गिवन है एंड आपके पास ये पी नोड ऑफ एक्स नोड वाई नोड ये पॉइंट जो है ये भी आपके पास गिवन है, तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो वाई दिस वन इज योर एक्स नोड, दिस वन इज योर वाई नोड। ठीक है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m m x माइनस एक्स नोट, सो x माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज इक्वल टू दिस वन, सो क्या हम यहाँ पे क्या होगा, y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ठीक है, और फोर इसका मल्टीप्लीकेशन आपका जो है माइनस, देखो इसका यहाँ को किया, ठीक है, माइनस फोर एंड आपका क्या है आपके पास अंदर प्लस टू है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का एट। ठीक है, दिस इज वाई माइनस थ्री प्लस एट इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा वाई प्लस फाइव प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट फोर एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जब आपके पास क्या होगा, ये आपके पास पॉइंट गिवन होगा और आपके पास स्लोप गिवन होगा। ठीक है, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज योर टू पॉइंट फॉर्म। आप देखो टू पॉइंट फॉर्म, 2.4 मतलब दो पॉइंट गिवन होंगे। ठीक है, ऐसे कोई लाइन है इसमें, अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई आर्बिट्ररी पॉइंट देकर रखा होगा, नो, ठीक है, आपके पास कोई ऐसे दो फिक्स पॉइंट देकर रखे होंगे, लाइक आपने P नोड ऑफ X नोड Y नोड, वैसे ही दूसरा पॉइंट ले लिया आपने X1 X2 Y1 Y2, ऐसे दो पॉइंट होंगे आपके पास। ठीक है, देखो देखो ये आपकी लाइन है, यहाँ पे आपने P2 पॉइंट लिया है, यहाँ पे आपने P1 पॉइंट लिया है, दिस वन इज योर X1 Y1 एंड दिस वन इज योर X2 Y2। अब ऐसे करके कंडीशन होगी तब आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास Y माइनस Y1
इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला मैंने हाव गिवन विद टू पॉइंट फॉर्म. मतलब आपके पास दो पॉइंट देके रखेंगे. एग्जाम्पल है, ठीक है, पॉइंट आपके पास देखे ऐसा करके होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग पॉइंट्स. सो पॉइंट्स आपके पास वन कॉमा माइनस वन एंड थ्री कॉमा फाइव. ओके, सो सिंपली पुट करने देखो, यह आ गया आपका एक्स वन वाई वन, ये आ गया आपका एक्स टू वाई टू. क्लियर, तो यहाँ पे पुट करना है इसको. जब हम इस फॉर्मूले में पॉइंट्स को पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो y माइनस वाई वन, ठीक है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन. सो वट इज वाई टू, फाइव. ओके, माइनस वाई वन अगेन माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है, फाइव प्लस वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज थ्री माइनस एक्स वन दैट इज वन, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो x as it is minus x1 that is minus 1. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y plus 1 is equals to 6 और यहाँ पे 2 ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है y plus 1 is equals to 3 x minus 1. ये बन रहा है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर इट इज y plus 1 is equals to 3x minus 3. ठीक है, जब यहाँ पे इस साइड आ जाएगा तो आपके पास बनेगा y, y प्लस वन है प्लस थ्री हो जाएगा माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. इट मीन्स दैट y प्लस फोर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड यू कैन राइट इट एज माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो ये है माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. कौन सा फॉर्म है, टू पॉइंट फॉर्म है. जब मतलब आपके पास लाइन है गिवन देके रखी और उस लाइन में क्या है, दोनों पॉइंट पे आपके पास गिवन देके रखे हुए हैं. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट फॉर्म आपके पास क्या आती है, आपके पास नेक्स्ट फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म, दैट वन इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट मतलब कि वो जो लाइन है ना वो कहीं ना कहीं किसी एक्सिस पे कट कर रही है, इधर एक्स एक्सिस पे कट करेगी या वाई एक्सिस पे कट करेगी. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है आपका ग्राफ, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, ये एक्स डैश होता है, ये लाइन यहां से आई आपकी, दिस पॉइंट इज योर सी, यू हैव टू कंसीडर दैट दिस पॉइंट इज सी एंड यू आर हैविंग विद स्लोप एम. ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स दैट स्लोप हमारे पास गिवन देके रखा होगा, साथ में वो लाइन जो है ना या तो y एक्सिस पे कट कर रही होगी या x एक्सिस पे कट कर रही होगी. तो ये फर्स्ट कंडीशन जो आपने लेके रखी है ये है आपकी, जब लाइन जो है आपकी कहाँ पे कट डाउन कर रही है, y एक्सिस पे कट डाउन कर रही है. एंड यू नो वेरी वेल कि y एक्सिस पे अब जो है ये पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, मतलब लेट अस टेक दिस पॉइंट इज सी, सी पे कट कर रही है तो ये आ गया आपका सी. ठीक है, आप देखो इस तरह से अगर आपके पास होगा तो आपके पास इक्वेशन जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस वन, जहां पे आपका ये जो c है द c इज कांस्टेंट. ठीक है, अब यही इसी का ही दूसरा आपके पास केस बनता है, क्यों ये अब लाइन x एक्सिस पे भी तो कट कर सकती है. तो जब ऐसे होता है तब आपके पास इक्वेशन जो आती है वो आती है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी. ठीक है, तो आपने ध्यान क्या रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान ये चीज रखनी है कि कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रही है, ठीक है, आपकी लाइन y पे या फिर x पे. y पे हो रही है ये फॉर्मूला यूज होगा, x पे हो रही है आपका ये फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है,
ठीक है, ये आपका डी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, जहां पे आपकी ये जो लाइन है ये कट करेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास आता है, इसके पास वो आता है आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में कंबाइन करके ले लिया कि ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन है ना ये यहाँ वाई पे भी कट कर रही है, यहाँ एक्स पे भी कट कर रही है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये है आपका ए पॉइंट है, तो ये आपका ए कॉमा जीरो बनेगा, ये आपका पॉइंट बी है तो ये जीरो कॉमा बी बनेगा। ठीक है, एंड दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, तो ये जब इस टाइप की आपकी कंडीशन है कि जब आपके पे इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट मींस दैट आपकी जो लाइन है वो एक ही टाइम पे दोनों एक्सेस पे कट कर रही है। ऊपर जो था एक टाइम पे एक एक्सेस देके रखी होगी आपके पास, ठीक है, कि एक्स इंटरसेप्ट है या वाई इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों एक्स पे भी कर रही है वाई पे भी कर रही है, तब इक्वेशन क्या होती है, तब इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम निकालते हैं वो निकलती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन। दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे देखो, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपने, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मेक्स इंटरसेप्ट, माइनस थ्री एंड टू, देखो ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों यूज होगा, गिवन देकर रखा है कि एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट जो आपकी जो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है, विच मेक इंटरसेप्ट विद माइनस थ्री एंड टू। ठीक है, कहां पे कट हो रहे हैं, ये एक्स पे भी और वाई पे भी रिस्पेक्टिवली डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना, एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थ्री आएगी, प्लस वाई अपॉन बी वाई अपॉन टू विच इज इक्वल टू वन, एंड इट इज योर टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब देखो इसमें इसे कैसे करते हैं, जीरो कोमा बी ए कोमा जीरो, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास गिवन दे के रखे होंगे, तो यही है एक्स एंड वाई मींस दैट रिस्पेक्टिवली। तो ये पहला पॉइंट एक्स है, ये सॉरी एक्स एक्सिस पे है तो दिस इज योर ए, या वाई एक्सिस पे तो दिस इज योर बी। सो इस तरह से आपने जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये तो आ गई आपकी वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जहां पे ये ए है, ये बी और ये जो सी है, ये सारे जो है आपके नॉट इक्वल्स टू जीरो होते हैं। ठीक है, जीरो सॉरी आपका जो ए और बी है, ए और बी है दोनों नॉट इक्वल्स टू जीरो होते हैं, एंड ये तीनों जो होंगे ए बी एंड सी ये क्या होते हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, और ए और बी की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। सो दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ, तो हमेशा इस लाइन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डिस्टेंस of a point from a line। ठीक है,
पॉइंट मतलब आपके पास गिवन एक पॉइंट देके रखा होगा, साथ में आपके पास जो है एक इक्वेशन ऑफ लाइन देके रखी होगी, तो उस टाइम आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डी इज इक्वल्स टू रू ये मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला जब आपके पास सिर्फ एक लाइन देके रखी होगी और साथ में क्या देके रखा है, एक पॉइंट देके रखा होगा. फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थ्री कॉमा माइनस फाइव फ्रॉम लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इसे कंपेयर करना है. यहां से आपके पास ए की वैल्यू या बी की वैल्यू एंड ये है सी की वैल्यू. ठीक है, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये किस चीज की वैल्यू है, ये है आपका एक एक्स वन और दूसरा है वाई वन. ठीक है, इन्हीं पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ना, कहां से, इस लाइन का यूज करके. तो इसमें पुट कर देंगे दैट डी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा थ्री इंटू थ्री प्लस माइनस फोर इंटू माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी सिक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर. थ्री अपॉन फाइव इसका आंसर आ जाएगा. क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो थ्री. फिर एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो अगेन थ्री. बी, बी की वैल्यू कितनी है, फोर, सॉरी माइनस फोर, सो इट इज माइनस फोर. वाई वन की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव. ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस ट्वेंटी सिक्स, तो माइनस ट्वेंटी सिक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा थ्री अपॉन फाइव. ये आ गया फर्स्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जब आपके पास एक पॉइंट और एक लाइन की जो इक्वेशन है वो गिवन होगी. दूसरा आता है जब दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन ही होंगी. ठीक है, दोनों क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. डी निकाला है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अब ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू सी वन माइनस सी टू मोड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. लाइन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो एंड दूसरी लाइन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज इक्वल टू थ्री. बी इज इक्वल टू माइनस फोर. सी वन इज इक्वल टू सेवन एंड सी टू इज इक्वल टू फाइव. ठीक है, एंड डी का फॉर्मूला यूज करें. वेरिएशन किसमें होगी, सी में. फॉर्मूला क्या होता है, सी वन माइनस सी टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट. तो ये कहां पे डिस्टेंस निकालते हैं, जब दोनों लाइंस होती हैं पैरेलल होती हैं, मतलब आपकी ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों जगह जो होगी वो सेम लेके रखी हुई, तभी ए इज इक्वल टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू फोर आ गया. सी वेरी करेगा, सी वन माइनस सी टू, तो सी वन यहाँ पे देखो सेवन है तो यहाँ सेवन ले गया एंड सी टू इज इक्वल टू फाइव है तो जस्ट फाइव. तो डी कैसे निकलेगा, C1 माइनस C2.
C1 की वैल्यू है 7 माइनस C2 5 मोर इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए इज 3 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज बी, बी इज माइनस 4 तो माइनस 4 का स्क्वायर. इट इज 7 माइनस 5 2, 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर